और जी यहाँ पे सब मार्केटिंग को खेल है, सब मार्केटिंग कर रहे हैं अपने उद्यम से, कुछ ना मिल रहा है, पानी भी नहीं है व्यवस्था के लिए, ये 30 रुपए की खरीद के लाए, यहाँ तक कि बाजार में नाश्ता भी नहीं है। सभी लोग मतलब बिना द्राक्ष के ही वापस हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन गुरुवार को भारी भीड़ के कारण हालात बेकाबू हो गए। रुद्राक्ष लेने के चक्कर में भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। एक महिला की मौत हो गई, 3 महिलाएं लापता हो गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महोत्सव स्थल का दौरा भी निरस्त कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक के मालेगांव से आई मंगला बाई की तबीयत अचानक खराब हो गई, उसे चक्कर आया और वहां गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई, राजस्थान के गंगापुर और महाराष्ट्र के बुलढाणा की रहने वाली 3 महिलाएं लापता हो गई हैं। श्रद्धालुओं को ना तो पीने का पानी मिल रहा है, ना ही बैठने की कोई व्यवस्था। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि 24 घंटे रुद्राक्ष वितरण होंगे, लेकिन लोगों को बुलाकर नहीं मिल रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं और अब परेशान होकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। सर हम लोग रात्रि सुबह आए हैं रुद्राक्ष लेने, और रुद्राक्ष के नाम पे अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है, और ऊपर से भगदड़ हुई है, उससे काफ़ी लोग भी मतलब उनको चोट लगी है, उसकी वजह से वो सभी लोग मतलब बिना रुद्राक्ष के ही वापस हो रहे हैं, और सभी लोग लगभग रुद्राक्ष यहाँ पे लेने आए हैं और किसी को कुछ भी नहीं मिला है। और क्या परेशानी है? अगर मैं फरीदाबाद से आया हूँ, और जी यहाँ पे सब मार्केटिंग को खेल है, सब मार्केटिंग कर रहे हैं अपने उद्यम से, कुछ ना मिल रहा, यहाँ पर लाइन में लगा रहे हैं, धूप में खड़े कर रहे हैं, ना कोई देखो, धक्का मुक्की चल रही है, अब पागल बना रहे हैं, खड़े होकर लाइन लगाओ जब मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है इधर, ना पानी मिल रहा ना कुछ। हाँ बहुत भीड़ है, इसमें बच्चे चपा जा रहे हैं, बूढ़े गिर जा रहे हैं, बहुत नहीं लगेंगी लाइन में, नहीं मैं घर जाऊंगी। सीहोर से राहुल मालवी की रिपोर्ट।